दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने रियलमी डिवाइस में रैम को बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, कितना आप रैम को फ्री कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब मेरा ये टॉपिक सुन के आपको लग रहा है कि रैम क्लीन करना कौन सी बड़ी बात है, शायद ये कोई थर्ड पार्टी ऐप ऐसा कुछ दिखाएगा। तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। जो भी है आपके मोबाइल के डिवाइस में ऑलरेडी है, कुछ भी थर्ड पार्टी ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग रैम क्लीन करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लोज ऑल करके हम लोग रैम को क्लीन कर देते हैं। वैसे मैं बता दूँ, मेरा जो ये डिवाइस है रियलमी X7 Max 5G डिवाइस है, जो कि 8 GB का रैम है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अवेलेबल रैम है यहाँ पे 2.82 GB ओनली दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्लियर कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी यूज़र्स हैं रियलमी के, उनके मोबाइल में ये चीज़ जो मैं दिखाने वाला हूँ ऑलरेडी है, हो सकता है ये चीज़ आपको जस्ट पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत देर तक अब मोबाइल यूज़ करने के बाद यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे खुला हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज़ ऑल क्लिक करते हैं। तो चलिए मैं भी करता हूँ, क्लोज़ ऑल को क्लिक करता हूँ। तो चलिए 662 MB यहाँ पे फ्री अप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लोज ऑल में दिखा रहा है यहाँ पे नो रिसेंट टास्क, कुछ भी नहीं है। 4.32 GB अवेलेबल यहाँ पे हो गया है, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मोबाइल में जो सेटिंग है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आपको सीधा चला जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे आप देखेंगे लैंग्वेज एंड रीजन के नीचे जो प्रोसेस मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अभी भी थर्ड पार्टी ऐप्स में एक्सिस मोबाइल, व्हाट्सएप, क्रेड और यूट्यूब स्टूडियो अभी भी दिखा रहा है। सिस्टम ऐप्स में अभी भी दिखा रहा है कि कैमरा, थीम, स्टोरेज, हे टैप, क्लाउड और क्लॉक, ठीक है, अभी भी है। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे रैम देखिए 3.97 GB खाली है। अभी सेटिंग को खोला था तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है, लेकिन और कुछ भी एप्लीकेशन अगल बगल में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप में अभी भी चल रहा है। तो ये एक्चुअली होता क्या है और क्यों होता है, ठीक है, तो देखिए, आप जब भी कोई एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कैमरा को ओपन किए, तो कैमरा एक्चुअली ट्रिगर कर देता है फेसबुक या इंस्टाग्राम, इस टाइप का ऐप को ट्रिगर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ट्रिगर करता है कोई थर्ड पार्टी ऐप्स को। क्रोम में अगर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि स्नैपडील या फ्लिपकार्ट या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को वो ट्रिगर कर सकता है, मतलब उसको बता सकता है कि ये ऐप अगर बैकग्राउंड में चलता रहे तो अगर नेक्स्ट टाइम इस ऐप को अगर ओपन करता है तो बहुत इजीली फास्ट खुलेगा। तो ये ट्रिगरिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर करने के टाइम में ये चीज़ बैकग्राउंड प्रोसेस में दिखाता नहीं है, लेकिन चलते रहता है और रैम भी कंजम्पशन करता रहता है। अभी आपसे बात करते करते यहाँ पे फेसबुक भी ट्रिगर हुआ है, ठीक है, तो ये बीच बीच में कोई एप्लीकेशन को कोई एक रीज़न से ट्रिगर करते रहता है। ठीक है, सिस्टम ऐप में देखिए ये सब ऑन चल रहा है और यहाँ पे ये सब अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीप क्लीनअप इसको कहते हैं बेसिकली, लेकिन इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है रियलमी में कि आप उसको होम स्क्रीन में उसको रख पाएँ। अगर रियलमी का कोई बंदा देख रहा है इसको, अगर कोई शॉर्टकट बना पाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है थर्ड पार्टी ऐप्स में, यहाँ पे आपको दो देख सकते हैं। अगर फेसबुक में अगर मैं क्लिक करता हूँ साइड में, ये राइट हैंड साइड में जो दो डॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एंड और फ्रीज़। एंड अगर क्लिक करते हैं तो तुरंत ये एप्लीकेशन किल हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये चलेगा नहीं। जब जब आप फेसबुक अगर कोई नोटिफिकेशन आता है फेसबुक में तो ये फेसबुक ओपन होगा, ठीक है, नहीं तो ये एप्लीकेशन नहीं खुलेगा। दूसरा है फ्रीज़ का ऑप्शन। फ्रीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर इसको फ्रीज़ कर देते हैं, अगर फेसबुक में कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका मोबाइल में नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो फेसबुक को ओपन नहीं कर पाएगा। जब तक आप मैन्युअली फेसबुक को क्लिक नहीं करते हैं तब तक नोटिफिकेशन नहीं शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये दो चीज़ डिफर करता है, एंड और फ्रीज़ को। अब सिस्टम ऐप के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने अभी जस्ट क्लिक किया। तो यहाँ पर फिर से जाते हैं, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर प्रोसेस मैनेजर में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सबको अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पे ऊपर में ये ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड ऑल में क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ, और यहाँ पर भी मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ,
तो देखिए यहाँ पे 4.43 GB थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, रैम और भी ज़्यादा खाली हो चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों रैम जितना आप खाली रखेंगे उतना सीपीयू में लोड कम पड़ेगा और इनडायरेक्टली बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो और थोड़ा बेटर हो जाता है आपको। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था रियलमी यूज़र्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल टेक्निकल ट्यूनर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।